फ्रेंच फ्राई के डिज़ाइन का आप लोग देखिए, तरबूज को इस तरीके का बना सकते हैं। बनकर देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है। इस तरीके से तरबूज को काटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको काटना। सबसे पहले इस तरफ से थोड़ा सा कटिंग करके हटा देंगे। बहुत ही आराम आराम से करें, जल्दबाजी नहीं करें, नहीं तो ये कट जाएगा। अगर आप घर में कर रहे हैं तो ये आसानी से हो जाएगा, घरेलू चाकू से भी हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके का हम लोग कट लगा लेंगे इसको ऐसे बैठाने के लिए। फिर ये देखिए इस तरीके से तिरछा काटेंगे। सबसे पहले चाकू से थोड़ा थोड़ा करके ये निशान लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से पहले निशान लगा लें फिर काटेंगे। दोनों तरफ इस तरीके से कर लेंगे। अब हम लोगों ने निशान लगा लिया है, अब आराम से छोटे चाकू लेकर इसको आराम आराम से इसको काट लेंगे। दोनों तरफ से इस तरह काट लेंगे, फिर दोनों को अलग कर देंगे। आप भी इसे काट के भी कर सकते हैं। इसी में से हमें उसका पॉट बनाना है जिसमें हमें ये डालना है। फिर कटिंग करके फ्रेंच फ्राई डिज़ाइन भी इसमें से हमें निकालना है। दोनों तरफ से इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए ये निशान है इस तरफ, देखिए गोल कर गोल भी कर सकते हैं। फ्रेंच फ्राई का जो डब्बा होता है हमें वो शेप निकालनी है इसमें से। आपको थोड़ा थोड़ा शेप इसका दिख रहा होगा, ये अब निकलने लगा है। ये देखिए इस तरीके से साइड से निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा इसमें लग रहा है, इसको चाकू से हटा दें। ये देखिए जिस तरफ से तरबूज का ज़्यादा कलर हो ऊपर वाला उस तरफ को रखेंगे, इस तरफ जो पीला सा है उसको नहीं रखेंगे। ये देखिए जिसमें हम फ्रेंच फ्राई सजाएंगे वो कट के निकल गया है। अब इसको चाकू की मदद से देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसको गोल कर लेंगे, ऊपर से भी गोल शेप का करेंगे। ये देखिए ये शेप निकल आया है। अब नीचे जो काटा था ये आराम से इस पे बैठ जाता है। ये देखिए कितनी खूबसूरती से बैठ रहा है। ये इस तरफ से भी इस तरह थोड़ा सा गोल कर लें। अब ये तैयार है। अब इसके अंदर का जो भी है उसको निकाल लेंगे कट करके। उसको आराम आराम से कट करें, जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो ये इधर उधर कट जाएगा तो फिर ये बेकार हो जाएगा, इसमें से हमारा वो नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको भी सलीके से काटेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब इसमें से कई पीस हमारा निकल जाएगा। वो इसी में से कट करके इसे
एक एक करके हम निकाल लेंगे। अब ये काफ़ी है, अब इसको चम्मच से सिर्फ खाली करेंगे, चाकू से नहीं हो पा रहा तो आप चम्मच से इस तरह आप कर सकते हैं। देखिए ये साफ हो चुका है, अब इसको साइड में रख दें। अब इसको कट कर लें, जो भी शेप है इसका इसी तरीके से इसमें से हम कट करके निकाल लेंगे। इस तरीके से कट करें, एक एक करके सबको इसी तरीके से काट लेंगे। अब इसका छिलका निकाल लेंगे, जितना भी वाइट वाला हिस्सा है वो सब हम इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह साफ करके निकालें। एक प्लेट में इसको हम जमा कर लेंगे, सबको इसी तरीके से काट कर छील कर इसमें प्लेट में जमा कर लें पहले, फिर इसको काटना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे, ये देखिए एक पीस को हमने काट लिया, इसी तरीके से काट लेंगे। ये देखिए पहले इस साइड का हिस्सा थोड़ा सा कट करके हटा दें, फिर ये सफाई का हमारा ये देखिए ये निकल रहा है। इसी तरीके से सबको काट कर जमा कर लेंगे। बहुत नरम होता है, बहुत आसानी से ये कट जाएगा आपका। ये देखिए इस तरह काट कर हमने जमा कर लिया, छोटा बड़ा जो भी है सबको काट सकते हैं, हर जगह वो काम आ जाएगा हमारे, छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जितना पीस उसमें से आप निकाल सकते हैं निकाल लेंगे, छोटा हो बड़ा हो सब उसमें सेट हो जाएगा। ये देखिए हमने सबको जमा कर लिया, बड़ा को एक जगह किया है, छोटे को एक जगह किया। अब ये इस तरीके से लकड़ी की तीली ले लेंगे, इसके अंदर डालेंगे और एक एक करके उसमें सजा देंगे। पहले बड़े को सजाएंगे, एक साइड में बड़ा हो नीचे छोटा हो, जब ये दिखेगा अच्छा से ये दिख पाएगा। छोटा बड़ा करके ही करेंगे। ये देखिए ऐसे लिया, इसमें ये डाल दिया, बहुत आसानी से ये खड़ा हो जाएगा। अगर इस तरीके से डालते हैं तो ये खड़ा नहीं हो पाता सही से, इतनी अच्छी शेप इसकी दिखेगी नहीं बिना तीली के, तो तीली ज़रूर लगाएं। ये देखिए एक एक करके इसके अंदर डालें, सबसे पहले बड़े बड़े को डाल देंगे हम लोग, फिर छोटे को नीचे डाल देंगे। ये देखिए इस साइड से भी डालें, हर तरफ से डालेंगे, बहुत आसानी से ये डल गया था, कोई भी इसको कर सकता है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए एक एक करके सबको इस तरह लगा देंगे। मेहमानों के लिए बहुत ही इम्प्रेसिव था, अगर आप मेहमान के सामने डालेंगे तो वो तो इसको देखता ही रह जाएगा, सबसे पहले तो वो फ़ोटो लेगा इसकी, फिर खाना शुरू करेगा, देख के ही खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें। तो आप इस तरह बना के दे सकते हैं, ख़ुद भी खा सकते हैं।
खुद को भी अच्छा फील होगा आपको, ऐसे बना के खाएंगे बैठ के। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा ये, इस तरह अगर बना के देंगे तो। देखिए एक एक करके इस तरह हमने सजा दिया। ये देखिए छोटा बड़ा सब इसमें एडजस्ट हो गया, कोई फ़र्क नहीं है कि छोटा है बड़ा है, सब एक साइज़ का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा बड़ा सबको डाल के इस तरह आप सजा लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।